हांसी के स्थानीय बरवारा रोड स्थित जीनियस पब्लिक स्कूल के पास एक व्यक्ति जय कुमार ने अपनी विधवा पुत्र वधू को अपनी बेटी मानकर उसका फिर से कन्यादान किया। जय कुमार ने बताया कि उसके पुत्र सन्नी की 2021 में किसी अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी पुत्र वधू पूजा रानी विधवा हो गई थी, जिसके दो बच्चे भी हैं। विधवा पुत्र वधू से उसने बातचीत की और दोबारा उसकी शादी करने का फैसला लिया गया। जय कुमार ने बताया कि उसने टोहाना के रहने वाले सन्नी पुत्र बलराज के साथ अपनी पुत्र वधू का रिश्ता तय किया, जिसके बाद आज उसकी शादी पंचायत में मौजूद लोगों के समक्ष की गई है। जय कुमार ने कहा कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उसकी पुत्र वधू जो अब उसकी बेटी है वो हमेशा खुश रहे, किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो। हम लोग भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से सामाजिक कार्यों को आप भी प्रोत्साहित करें, ये एक कुप्रथा पर करारा प्रहार है। जय कुमार ने अपनी पुत्र वधू की जिस तरह से शादी की है ये एक समाज में बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इस दौरान शादी में गणमान्य लोग मौजूद रह गए, जिनमें से रणबीर सिंह जींद, मास्टर अमरजीत, डॉक्टर दलवीर सिंह, धर्मवीर सिंह हिसार, पालेराम हिसार, सुभाष टाक, वीर सिंह टोहाना, बलराज टोहाना, जग्गा चौहान, मीन कुमार आदि गणमान्य और प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। एक बार फिर से एएनटी नेशनल आप सभी लोगों को, अपने दर्शकों को कहना चाहेगा, इस तरह का सराहनीय कदम की आप भी सराहना करें और समाज में फैल रही कुप्रथा को दूर करके एक अच्छा और नेक काम आप भी जरूर करें। आप देखते रहिए एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।